फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर फूड चैनल जॉय फ्लेवर्स में। आज हम लोग वापस और एक इंटरेस्टिंग एंड डिलीशियस रेसिपी लेके आ रहे हैं स्पेशली फॉर रक्षाबंधन। मेक योर रक्षाबंधन मोर स्पेशल विद आवर डिलीशियस रेसिपी एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग रेसिपी। हिट द बेल आइकन एंड यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। लिंक इज मेंशन इन द बिलो डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज इंटरेस्टिंग रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग वेरी फेमस नॉर्थ इंडियन डिजर्ट बना रहे विद चॉकलेट, जिसका नाम है चॉकलेटी शाही टुकड़ा। चलो आज की रेसिपी की शुरुआत करते हैं। शाही टुकड़ा के लिए मैंने यहाँ पे व्हाइट स्लाइस ब्रेड लिया है, उसके मैंने एजेस ट्रिम किए हुए हैं और उसको ट्रायंगल शेप में कट किया हुआ है। स्लाइस ब्रेड को हमें डीप फ्राई करना है घी में जब तक वो गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। ब्रेड अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अभी इसको हम लोग निकाल देंगे और ऐसे ही हमें बाकी ब्रेड को भी फ्राई करना है। चाशनी के लिए यहाँ पे मैंने मिल्क यूज़ किया है अराउंड 2 कप, उसमें मैं 3 टेबलस्पून ऑफ शुगर ऐड करूँगा। हमें अभी मिल्क को स्लो फ्लेम में रेड्यूस करना है। मतलब चाशनी शुगर और वाटर से बनता है, सेम लाइक जैसे हम लोग गुलाब जामुन के लिए बनाते हैं। यहाँ पे मैंने मिल्क इसलिए यूज़ किया है कि सेम मिल्क को हम लोग बाद में रबड़ी में यूज़ कर सकते हैं। मिल्क अच्छे से बॉयल हो चुका है, जो फ्राई किए हुए ब्रेड को हम लोग इस चाशनी में थोड़े टाइम के लिए डीप करेंगे और निकाल देंगे। याद रखना, ज़्यादा टाइम के लिए हमें ब्रेड को चाशनी में नहीं रखना है, नहीं तो ये ब्रेड सॉगी हो जाएंगे। ऐसे ही हमें बाकी के ब्रेड को भी चाशनी में डिप करके निकालना है। आपको मिल्क की चाशनी यूज़ नहीं करनी है और घर में गुलाब जाम की चाशनी है तो वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने सब ब्रेड चाशनी में डिप करके निकाल दिए है, ऐसे ही हल्का सा सॉफ्ट होना चाहिए। अभी हम लोग चॉकलेट रबड़ी बनाएंगे। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मिल्क रेड्यूस करने के लिए रखा था क्योंकि रबड़ी के लिए थोड़ा टाइम लगता है। अराउंड 1/2 लीटर मैंने मिल्क लिया। यहाँ पे मिल्क को हमें स्लो फ्लेम में रेड्यूस करना है। स्टार्टिंग में हमने मिल्क की चाशनी बनाई थी, जो बची हुई चाशनी है यहाँ रबड़ी में मैं यूज़ कर रहा हूँ। मिल्क 1/2 रेड्यूस होने के बाद 2 टेबलस्पून ऑफ कंडेंस मिल्क यूज़ करूँगा, इससे रबड़ी को थिकनेस मिलेगी। इस रबड़ी में एडिशनली मैं शुगर ऐड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कंडेंस मिल्क स्वीट रहता है, प्लस जो हमने चाशनी यूज़ की थी बची हुई उसमें भी हमने शुगर ऐड किया हुआ था। अभी हम कार्डमम पाउडर ऐड करेंगे रबड़ी में और स्लो फ्लेम में रबड़ी को रेड्यूस करेंगे। जैसे हमने कहा था, ये शाही टुकड़े को हम लोग चॉकलेटी ट्विस्ट देंगे, तो अभी हम लोग ऐड करेंगे चॉकलेट सॉस अराउंड 2 टेबलस्पून। फिर से हमें रबड़ी को कुक करना है जब तक हमारी रबड़ी अच्छे से थिक नहीं हो जाती। अभी हमारी चॉकलेटी रबड़ी अच्छी से थिक हो चुकी है और बन के भी रेडी है। अभी हम लोग शाही टुकड़ा और चॉकलेटी रबड़ी को असेंबल करेंगे। मैंने यहाँ पे केक टिन लिया है, आप कोई भी फ्लैट ट्रे ले सकते हो। इस तरह से जो चाशनी में सोक किए हुए थे ब्रेड को हमें बॉटम में लगाना है। हमारी रबड़ी हल्की सी गर्म है, आपको रबड़ी को रूम टेम्परेचर में लाके ब्रेड के ऊपर से कुछ इस तरह से पोर करना है। गार्निश में हम लोग ऐड करेंगे चॉप कैशू नट, चॉप आलमंड, के पास जो भी नट्स अवेलेबल है वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। फाइनली मैं गार्निश करूँगा येलो एंड रेड रोज़ पेटल से। आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो शाही टुकड़े को तो आप डबल लेयर में भी बना सकते हो, और इसको आपको 20 मिनट्स के लिए फ्रिज में रखना है ठंडा होने के लिए। सो अपना चॉकलेटी शाही टुकड़ा रेडी है, बहुत अच्छा दिख रहा है, चलो ट्राई करते हैं। ब्रेड बहुत अच्छे से मॉइस्ट हुआ है एंड चॉकलेट एंड रबड़ी का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है और स्वीट का बैलेंस भी बहुत अच्छे से हुआ है। तो जैसे हम लोगों ने आपको रेसिपी दी है वैसे ही आप फॉलो करना एंड टैग जॉय फ्लेवर्स मीट ऑन इंस्टाग्राम।
Instagram and Facebook. See you next time with another delicious recipe for Raksha Bandhan, and stay safe and enjoy cooking.